देवघर में 2 मार्च 2011 महाशिवरात्रि के दिन अस्तित्व में आए बैद्यनाथ मिथिला संस्कृति मंच लगातार लोगों की सेवा में लगा है। समिति की ओर से संस्था भवन में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्र के साथ दर्जनों सदस्य मौजूद थे। बैठक में आने वाले श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों के लिए सेवा शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अपने समाज के लिए भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे आम लोगों के लिए सुविधा के तौर पर खोल दिया जाएगा। लोग अपनी सुविधा अनुसार बहुत कम राशि के सहयोग से इसका उपयोग कर सकेंगे। मीटिंग में मुद्दा रखा गया है कि ऊपर में 3 रूम बन गया है और फिनिशिंग होना बाकी है। इसके बाद हम लोग कोई भी लगन, जनेऊ, शादी, ब्याह सभी इस भवन में हो सकता है, क्योंकि नीचे हॉल है, ऊपर में 3 रूम कभी के सभी लोगों के लिए ये है, उसकी सेवा यहाँ की जाएगी। हाँ, उसका नॉमिनल चार्ज तो लिया जाएगा, किसे मेंटेनेंस। बैद्यनाथ मिथिला संस्कृति मंच का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि यहाँ जो मिथिलावासी हैं उनका संगठन यहाँ हो, साथ साथ सावन भादों में देश विदेश के साथ साथ स्थानीय जो कांवरिया बंधु आते हैं उनको हम आवासन की सुविधा उपलब्ध करा सके। इस यही उद्देश्य लेकर इस संस्था का निर्माण किया गया और 2013 से हम लोग सावन और भादो महीने में कांवरिया बंधुओं की सेवा देते आ रहे थे। बीच में 2 साल कोरोना के कारण यहाँ कांवरियों का आवागमन बंद था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और यह संस्था जो अभी विस्तार रूप ले रही है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर स्थानीय लोग या कोई आदमी इस संस्था का लाभ अपने जनेऊ, मुंडन, विवाह के लिए भी करना चाहें तो हम लोग एक निर्धारित नॉमिनल शुल्क लेकर उनको यह संस्था उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।